और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्नेक ट्राइंग पोएम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है WWE रोज। यार जो हमारा पोएट है ना, वो हमें समझाना चाहते हैं कि सभी प्रकार के सांप यार हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ यार अच्छे भी होते हैं, वो अपने बचाव के लिए हमसे भागते हैं। हम यार सांप को देखते हैं और हमको लगता है कि यार ये तो हमारे लिए खतरा है, तो हम यार डंडा उंडा लेके आते हैं और उसको पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो इसलिए हमें पोएट समझा रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो यार स्नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बता रहे हैं कि कैसे वो बचता है, कैसे वो हम जब मारते हैं तो वो बच के भागता है। तो चलो यार शुरू करते हैं, छोटा सा पोयम है, तुरंत खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि सांप हमसे हमेशा बचने की कोशिश करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है जब हम उसको डंडे लेके पीछे से मारने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ पर परसुइंग का मतलब है फॉलोइंग, जो डंडा हम उसके पीछे पीछे लेके भाग रहे हैं ना मारने के लिए उसको, उसका मतलब है यहाँ पर। वो यार हमारे डंडे से बचने के लिए अपने लंबे से थिन बॉडी के साथ कर्व लेते हुए भागता है। तुमने देखा होगा यार सांप हमेशा सीधा नहीं चलता, वो यार ऐसा लहरिया मारते हुए टेढ़े मेढ़े चलता है। तो वही हमारे पोएट बता रहे हैं कि वो कर्व लेते हुए भागता है, और जिस तरह से वो भागता है ना यार, वो हमारे पोएट को बहुत ही अच्छा लगता है, उनको वो देख के बहुत ही मजा आता है भाई। आगे वो बताते हैं कि वो स्मूथली धीरे धीरे यार पानी के किनारे किनारे वो भागता है, हमारे अटैक से बचता है। ग्लाइड्स का मतलब यहाँ पर स्मूथली मूव करना है, स्मूथली धीरे धीरे मूव करना यहाँ पर ग्लाइड्स का मतलब है। और स्ट्रोक का मतलब है अटैक, जो हम उस पर अटैक करते हैं ना, जो पीछे से मारते हैं यार उसे वार करते हैं, उसका मतलब स्ट्रोक है यहाँ पर। जो यार उस सांप को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ना यार, उससे पोएट कहते हैं कि ओ भाई साहब छोड़ दे, जान दे इसको पानी में, क्यों मार रहा है बेचारे को। वो कहते हैं कि इसे जाने दे पानी में, जाकर ये रीड्स में छुप जाएगा। हम जो उसको मार रहे हैं ना यार, उसको बिना चोट लगे वो उसको जाने के लिए बोल रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि थम जा बेटे मत मार। रीड्स का मतलब यार यहाँ पर वो ग्रीन प्लांट है जो पानी में निकल नहीं जाते हैं यार, छोटे छोटे पेड़ निकल जाते हैं हरे हरे कलर के, कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर रीड्स का मतलब यार यही ग्रीन प्लांट है। और स्नेक को भी इसलिए इसमें जाने के लिए कहते हैं क्योंकि यार वो भी ग्रीन कलर का है, और जाकर वो पेड़ में जब घुस जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ चला गया, वो उस ग्रीन प्लांट में छुप जाएगा। पोएट कहते हैं कि वो छोटा सा जो ग्रीन कलर का स्नेक है यार, वो हार्मलेस है, इवन बच्चों के लिए हार्मलेस है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी यार हम लोग उसको मारने के लिए दौड़ जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो हमारे लिए खतरनाक है, हो सकता है हमला उमला बोल दे, काट वाट ले। और यार सांप से तो मेरी खुद की फटती है। आगे वो कहते हैं कि जो हमारा स्नेक है यार, वो पानी से निकलकर सैंड पे आ जाता है और लेटा रहता है, और तब तक लेटा रहता है जब तक कि उसे कोई देख ना ले, कोई उसे ऑब्जर्व न कर ले और उसको मारने न लगे। चेस्ट का मतलब यार यहाँ पर वही चीज है कि हम उसको जाके पीछे से मारने लगते हैं ना, वही है। और ये जैसे ही हम लोग उसको मारने की कोशिश करेंगे, डंडा वंडा फेंक के मारेंगे, तो यार वो तुरंत ही वैनिश हो जाएगा, जाके वो पानी के लहरों में यार घुस जाएगा, पानी में जाएगा और फिर ऐसे लहरिया मारता हुआ पानी के लहरों के साथ गायब हो जाएगा। वो वैनिश का मतलब है यार डिसअपीयर हो जाना, गायब हो जाना। और रिपल्स का मतलब है वो पानी के अंदर जो मूवमेंट होती है ना यार, जैसे हम लोग हाथ वाथ डालते हैं तो एक लहर फॉर्म होता है, यहाँ पर उसका मतलब वही है। मतलब क्या, जैसे हम उसको मारने की कोशिश करेंगे वो पानी में घुस जाएगा, और पानी के लहरों के साथ वो जो पानी के अंदर ग्रीन प्लांट है ना यार, उसमें वो घुस जाएगा और गायब हो जाएगा, क्योंकि यार दोनों का कलर ग्रीन है, स्नेक का भी कलर ग्रीन है यार, और जो हमारा प्लांट है यार उसका भी कलर ग्रीन है, तो ग्रीन में ग्रीन मिल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। सीधा सा मतलब समझो कि पोएट हमें यार ये बताना चाहते हैं ना कि कैसे यार स्नेक जो है वो भाग जाता है जब हम उसको मारने की कोशिश करते हैं, और वो ये भी बताना चाहते हैं कि सारे स्नेक जो है ना वो हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन यार फिर भी हमारा लक्षण वही है, जैसे ही सांप देखते हैं कहते हैं ओ भाई डंडा लेके आ, सांप पर आया, चल इसको मारेंगे, चिंटुआ लेके आ डंडा, रे मार भैया अगर फाड़ दो भाई। तो बस यार यहीं पे तुम्हारे इस पोएम को खत्म कर दिया गया है, बस ये डिस्क्राइब किया गया कि कैसे यार सांप बचता है, कैसे वो लहरिया मारते हुए पानी में घुस जाता है, कहीं घुस जाता है, बस यही सब चीज़ें छोटी मोटी डिस्क्राइब की गई थी। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर अब तक तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मैं मिलता तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।